और भाई तुम्हारा भाई तो मेट्रो में ही आते वक्त सो गया था। Hey guys, कैसे हो आप सब लोग। एंड फाइनली भाई अपना जो प्रॉपर सेटअप था, जो हमारा गेमिंग रूम बन रहा था ना, वो अब फाइनली हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड देन जो है भाई, यानी कि इसका जो अगला एपिसोड आएगा ना, उसके अंदर आप लोगों को मैं कंप्लीटली मैं दिखा दूंगा। लेकिन 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 उससे पहले जो है भाई, मैं आज जाने वाला हूँ भाई नेहरू प्लेस। और नेहरू प्लेस में भाई जब मैं अपने कंप्यूटर के लिए जो है कुछ कॉम्पोनेंट्स मेरे को बाय करने हैं, कुछ अपने कैमरे के लिए मेरे कुछ मेमोरी कार्ड्स वगैरह, कुछ एसडी कार्ड्स वगैरह और भी अदर स्टफ्स जो है मुझे दोस्तों बाय करना है। ताकि दोस्तों अभी जो है थोड़े दिन के लिए, हो सकता है कि थोड़े समय के बाद जो है मैं अभी 4-5-7 दिनों के लिए जो है थोड़ा मैं बाहर जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो उसके अंदर फाइनली जो है वो काम आ जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भाई अभी जो है थोड़े ही समय पहले, यानी कि लगभग 15 दिन पहले जो है मैंने एक व्लॉग डाला था नेहरू प्लेस का। मैं अपना जो पावर सप्लाई था वो मैं देकर के आया था सर्विस सेंटर में, तो आज जो है फाइनली भाई वो आ चुका है। यानी कि अभी से 4-5 दिन, वैसे तो 4-5 दिन पहले ही आ चुका है, उनके सर्विस सेंटर वालों का फोन आ गया था मेरे पास, लेकिन भाई अभी तक मैं निकल नहीं पाया था। देन अब जो है हम निकल रहे हैं यहाँ से नेहरू प्लेस, जो अब जाएंगे भाई पावर सप्लाई भी ले आएंगे, क्योंकि भाई मैं सोच रहा था कि मैं एक बार मैं सामान लेने जाऊं, फिर दोबारा जब पावर सप्लाई आएगा जब लेने जाना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि भाई इकट्ठा ही जाएंगे जब पावर सप्लाई आ जाएगा। तो अब निकल रहे हैं भाई यहां से नेहरू प्लेस सीधा। और अब जो मुझे सामान लेना है ना, वो लेना है भाई कुछ कैमरे वगैरह की, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेसरीज वगैरह, पावर सप्लाई, एंड ऑलमोस्ट जो भाई मेरे गेमिंग पीसी के लिए जितने भी मेरे कंपोनेंट थे ना, मतलब आप ये समझो कि 60% जो है दोस्तों मेरा कंप्लीट हो चुका है। और बस दोस्तों थोड़ा बहुत ही सामान रह गया, जैसे कि भाई मेरे को एक जो है मॉनिटर नया लेना है, दूसरा ये है कि भाई मेरे को एक मदरबोर्ड प्रोसेसर लेना है, बाकी ग्राफिक कार्ड जो है भाई मैंने 3070 जो है मैंने फाउंडर एडिशन के लिए मैंने ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, तो भाई कभी भी जो है यानी कि हमारे पास 3070 जो है वो भी हमारे पास पहुंच जाएगा। यानी कि ये ले लो कि हो सकता है कि भाई 8-10 दिन जितने भी दिन लग जाए मतलब कि आने में, तो फाइनली वो हमारे पास जो है यानी कि हमारे सिस्टम में भाई साहब अब GTX ग्राफिक कार्ड हटेगा इसमें से, एंड देन भाई RTX ग्राफिक कार्ड, वो भी दोस्तों लेटेस्ट जमाने का, यानी कि लेटेस्ट नहीं मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन का और बिल्कुल लेटेस्ट जो आप कह सकते हो ना GPU, वो हमारे पास दोस्तों आने वाला है। एंड देन दोस्तों हम उसके अंदर 4K गेमिंग भी कर पाएंगे। एंड देन जो मैं आपको कह रहा था कि भाई अब जो है मैं गेमिंग के अंदर मैं आऊंगा, तो फाइनली हो सकता है कि दोस्तों अब मैं प्लान बना लूं कि भाई मैं गेमिंग के अंदर, क्योंकि अब हमारे पास जो है एक बेटर हार्डवेयर भी होगा और साथ ही साथ में जो भाई मदरबोर्ड एंड ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें तो तुम्हारा भाई अरेंज कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो दोस्तों चलते हैं सीधा नेहरू प्लेस और मिलता हूं दोस्तों आपको सीधा वहीं पर। सो फाइनली भाई फिर से मैं अगेन पहुंच चुका हूं यहां पर अपने नेहरू प्लेस में, और आज भाई थोड़ा बहुत सामान लेना है मेरे को, जैसे कि एक तो हार्ड डिस्क और अपने कैमरे के लिए मेमोरी कार्ड, और जो पावर सप्लाई हमें लेना है वो तो है ही, और साथ में दोस्तों एक सामान और लेना है अभी फिलहाल, वो देखते हैं कि अभी कैसे क्या है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। सो चलो चलते हैं। ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देख रहे हो क्या ये? कोरोना, मतलब पता नहीं, आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग, एक्चुअली दे आर प्लानिंग समथिंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं भाई ये, एंड दे आर समथिंग डूइंग अ इवेंट टाइप, कुछ इवेंट टाइप का कुछ ये करने वाले हैं अभी, काफ़ी बढ़िया है। ये मैं खड़ा हूँ अभी नेहरू प्लेस के मेट्रो स्टेशन के बाहर। एक तो ना यार, मैं वैसे नेहरू प्लेस ना वैसे आना नहीं चाहता यार, एक क्योंकि पूरा का पूरा दिन जो है हो जाता है ख़राब, और अभी तो मैं चलो खैर आ गया हूँ यहाँ पर, और भाई तुम्हारा भाई तो मेट्रो में ही आते वक्त सो गया था। मतलब लगभग ये समझो कि मैंने लगभग आधे घंटे की नींद ले ली मैंने मेट्रो में ही। चलो भाई आ चुके हैं। देखो भाई एक तो अगर आप नेहरू प्लेस आओ ना, तो अवॉइड करना कि यार आप कार वगैरह से कभी आओ, क्योंकि यार देखो यहाँ पर ना काफी दिक्कत होती है आने में, मतलब एक तो जाम वाम बहुत सारी। मैं हमेशा भाई ट्राई करता हूँ कि आप बस से, मतलब मेट्रो से ही आओ, क्योंकि वो थोड़ा इजी टू होता है कि आप आराम से आ जाओगे, आप थकोगे नहीं और पहुंच जाओगे आप आराम से। तो वैसे आपको एक दो सामान लेने हो तो भाई कोशिश करो कि वहीं ले लो अपने घर के आसपास। तो लो भाई ले लिया हमने यहाँ पर पावर सप्लाई और रिसीव कर लिया, ये देखो ये रहा, और अब चल रहे हैं भाई हम यहाँ से सीधा SMC इंटरनेशनल। फाइनली जो है सामान वगैरह सारा का सारा हमने ले लिया अब, और निकल रहे हैं भाई सीधा अब घर पे। तो बहुत सारे सामान लिए हैं, सीधा आपको घर पे मिलता हूँ और घर पे आपको सारा सारा दिखाऊंगा कि आखिर कितने का क्या चीज़ लिया है हमने और क्या क्या चीज़ें ली है। चलो मिलते हैं भाई अब सीधा घर पे। One hour later. तो फाइनली भाई पहुंच चुका हूँ यहाँ पर मैं हुड्डा सिटी सेंटर, एंड भाई अब जो है सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ यहीं से बाहर वगैरह निकल के, यहाँ पर बर्गर किंग वगैरह भी है, तो लेट्स ट्राई भाई क्या मिलता है क्या नहीं। एक छोटा सा काम भी मेरे को अभी जस्ट याद आ गया कि भाई मेरे को ना हुडीज वगैरह कुछ लेनी थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार अभी कभी ही ले लूं जाते हो, तो देखते हैं कहाँ पर सेक्टर 14 वगैरह में ले लेंगे कहीं ना कहीं। तो
तो लो आ चुका हूँ भाई मैं अपने घर। और भाई काफी ज्यादा दोस्तों ठंड भाई अब बढ़ चुकी है और दिल्ली भाई साहब जाना और आना भाई बहुत ही थकावट वाला काम था आप ये समझो। लेकिन हाँ ये था कि भाई मैं दिल्ली में मेट्रो से जाते वक्त और मेट्रो से आते वक्त मैं दोनों टाइम पे भाई मैं आधे घंटे की मैं नींद ले चुका था उसके अंदर। एंड बाकी भाई मैं सामान ले चुका हूँ और भाई घर पे आते आते ना मुझे लगभग 8:30 में करीबन मैं दोस्तों घर पे आ चुका था। क्योंकि लेट थोड़ा इसलिए भी हो गया क्योंकि आपको ऐसा मैंने बताया सेक्टर 14 गया था मैं। तो वहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ कपड़े वगैरह यानी कि हुडीज वगैरह भी मैंने यहाँ पर बाय किए हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। लेकिन अभी नहीं दोस्तों वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने सामान लिया है वो आखिर क्या क्या है। तो ये रहा भाई अपना सारा सामान ये देखो यहाँ पर। तो आपको मैं एक एक करके मैं खोल के दिखा देता हूँ सारी चीजों को। और ये तो भाई सबसे पहले तो इसको तुमने वैसे देख ही रखा है पहले से ही कि भाई ये क्या है। ये भाई 650 वाट का पावर सप्लाई था जो मैंने ऑलरेडी जो वारंटी में लिया है। बिल्कुल सील पैक मिल गया भाई तुम्हारे भाई को। मस्त मजा आ गया बिल्कुल। अब फील भी आएगा कि हाँ भाई बिल्कुल नया सिस्टम बनाने लग रहे हैं। अब हम सोचो कि सेकंड हैंड 3 साल यूज करा और भाई सही टाइम पे देखो मतलब कहते हैं ना कुछ भी चीजें खराब होती है या अच्छा होता है तो मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो फाइनली यही रीजन था कि भाई मेरा दूसरा पीसी बनना था। डेट्स व्हाई मैंने अब मेरे पास एक पावर सप्लाई और है। एक और भी है लेकिन वो कम वॉट का है। एंड देन जो फाइनली जो है एक अच्छी क्वालिटी का जो मेरे पास था पावर सप्लाई वो आ गया। और हाँ भाई ठीक है एक अच्छे पैसे अगर फूको ना तो भाई तुम्हें क्वालिटी का यही फायदा होता है कि 5 साल की वारंटी थी 3 साल हो चुके हैं तो 2 साल की वारंटी और बची है। मैं तो कहूंगा भाई साहब 2 साल होने से पहले एक बार फिर से खत्म हो जाए मैं फिर से नया ले आऊंगा। दूसरा दिखा देता हूँ भाई इसके अंदर क्या है। ये भाई मैंने कुछ जो है अपने कंप्यूटर के लिए एक्सेसरीज लिए हैं यानी कि कैमरे का है बेसिकली आप ये कह सकते हो उसको। तो ये देखो भाई कुछ तो सामान यहाँ पर ये भी रहा और ये क्या हो गया सारा। ये भाई साहब है रिचार्जेबल बैटरी है किसका है ये एनवी का है ये 1100 mAh वाली 1100 mAh वाली है। ये मुझे पड़ा भाई लगभग 250 रुपीस का कुछ का पड़ा मेरे को ये। और साथ में दोस्तों यहाँ पर मेमोरी कार्ड मैं सोचा था कि पहले यार थोड़ा बड़े वाला ले लूँ लेकिन फिर कोई नहीं यार मैंने यार छोटे वाला ही ले लिया 64 GB का ले लिया। अभी तक जो मैं यूज़ कर रहा था ना वो 32 GB है लेकिन ये है 64 GB। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन के बाद जो है महीने वजह से मेरा पीसी बिल्ट हो जाएगा ना फिर मैं 128 GB का जो है सीधा कैमरे वाला ही मैं ले लूँगा। लेकिन फिलहाल सोचा यार बजट तो काफी ज्यादा टाइट है डेट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना यार फिलहाल यही ले लेते हैं बाद में देखा जाएगा भी। ये देख लो भाई ये है सबसे बड़ी काम की चीज भाई जिसकी वजह से मैं ना इतना ज्यादा लिटरली बहुत ज्यादा मैं परेशान रहा हूँ इस चीज की वजह से। ये मैं आपको बता देता हूँ USB 3.0 हाई स्पीड मल्टी कार्ड रीडर है ये। और इसके अंदर आपको 4-5 जो है अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ जो SD कार्ड्स होते हैं ना उसका सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं USB 3.0 है तो डिजिटेक का मिल गया और मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा मुझे हाँ लेकिन ठीक है भाई 650 रुपये का मतलब यही चीज़ अगर मैं ऑनलाइन मंगवाता ना ये लगभग 1000-1200 रुपये के अराउंड में पड़ता लेकिन मैं नेहरू प्लेस गया था डेट्स वाई थोड़ा सा प्राइस सही मिल गया मेरे को जेन्युइनली। और भाई अगली और आखिरी चीज़ है भाई वो है हमारा ये है भाई हमारा हार्ड डिस्क। मतलब ये समझो कि स्पेस की किल्लत इतनी हो रही थी ना मतलब कि बेसिकली मेरे पास है ऑलरेडी मेरे पास हार्ड डिस्क है लेकिन ये थोड़ा इसलिए भी ले लिया क्योंकि मैं नया पीसी भी बना रहा हूँ तो उसके अंदर भी काम आ जाएगा। एंड फिलहाल के लिए तो भाई मुझे अपने एग्जिस्टिंग पीसी में जो मेरे पास अभी है ना वहाँ उसमें लगाने में ये काम आ जाएगा। खुल जा भाई क्या हो गया ओ शिट मतलब मैं वहाँ से लेकर के आने में मैंने इसको एक बार भी नहीं पटका होगा यहाँ पर भाई गिर चुका एक बार। ये है भाई WD का 2 TB का हमने लिया है हार्ड ड्राइव। तो चलो ये तो अब हमने सिस्टम में लगा लेंगे। और हाँ एक आखिरी चीज ये मैंने ले लिया भाई साथ साथ में एक छोटा सा एडेप्टर यानी कि माइक्रो SD कार्ड एडेप्टर होता ना वो मैंने ले लिया ताकि भाई ज्यादा महंगा मिला नहीं 20 रुपये में मिला मैंने सोचा रख ही लेता हूँ भाई एक्स्ट्रा क्योंकि होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई यही सब सामान था जो मैंने यहाँ पर लिया है प्लस मैंने अभी हुडीज वगैरह भी मैंने 2-3 लिए थे भाई रेड टेप पर ना काफी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था ऑफर था ऑलमोस्ट यानी कि 70% तक का डिस्काउंट था। आई डोंट नो कि भाई वो प्राइस ठीक है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि एज जेन्युइनली जो क्वालिटी जो मैंने बाय की है ना उसके अकॉर्डिंग भाई मेरे को प्राइस सही लगा है तो वो मैंने लिया है। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको जो है अपने हुडीज वगैरह दिखा दूंगा मैं। एंड अभी भाई मैं कुछ शूज भी लेने के लिए जाने वाला हूँ नेक्स्ट नहीं इसी 2-3 दिन में ही जाऊंगा तो वो भी भाई नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मैं इकट्ठा ही सारा मैं दिखा दूंगा। और मे भी हो सकता है कि भाई नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर जो है मैं अपने पीसी को भी मैं अपग्रेड करूंगा तो उसकी भी वीडियो दोस्तों नवनीत कुमार वाले पे आ जाएगी वो। तो चलो भाई चलते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर में। शिव बाय एंड शुभ रात्रि बाय। You can stay till the morning, 'cause I just wanna quarantine and chill, yeah. Girl, you know the deal, yeah. I don't wanna leave the room, I just wanna be with you.